हेलो दोस्तों, टेक्ट लाइव यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम पहुँचे हैं जींद के खरकराम जी गांव के अंदर, जहां पे हम सतवीर नंबरदार के फार्म हाउस पे पहुँचे हैं। और आपको दिखा रहे हैं बैलार्स ट्रैक्टर, जो फोर सिलेंडर ट्रैक्टर है। और आप इसके अंदर की जो स्पेसिफिकेशन वगैरह का डिस्कस करते हैं, जो इसका पार्ट्स वगैरह है वो सारा का सारा साथ का ही दिया हुआ है। और पेंट वगैरह भी इसका ओरिजिनल है। और ये प्लेटें वगैरह जो लगी हुई है मॉडल नंबर की, अभी 7 की हैं इसके। और आप देख सकते हैं इसका जो आगे डोजर वगैरह अगर रखवाना चाहते हैं उसके लिए भी इसके अंदर सिस्टम दिया गया था। और इंडिकेटर वगैरह भी इसके 7 के ही अभी तक इसमें लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं प्लेटें वगैरह, इसकी इंडिकेशन प्लेट होती हैं जो वो भी अभी तक रखी हुई हैं। और इसका डीजल टैंक वगैरह है होता है जो वो 100 लीटर का होता है। फट्टी वगैरह भी आपने देखी, काफ़ी मजबूत और टिकाऊ। और इस पे कहीं भी जंग इत्यादि कहीं भी नहीं लगा हुआ है अभी तक, जंग जैसी मतलब कोई चीज़ इस पे नहीं है, फ्रेश है ट्रैक्टर। थोड़ा पेंट वगैरह कहीं कहीं से उतर गया है। और देखो ये इंडिकेशन प्लेट है पीटीओ की, अभी तक वैसे की वैसे ही है। पीटीओ क्लच भी अभी देख सकते हैं आप इसके अंदर। और हमने इनसे बातें की और उन्होंने नए ट्रैक्टरों के बारे में और जो बैलार्स है उनका कंपैरिजन के बारे में उनसे कुछ बातें की हम लोगों ने, और उन्होंने देख क्या बताया है और वो सब चीज़ें चलो जानते हैं हम उन्होंने क्या बताया इसके बारे में। तो सुनिए। छुपाने का कोई फायदा नहीं आज के टाइम, लेकिन उस टाइम के सबसे बेहतर थे। आज की टेक्नोलॉजी आज की है, आज की टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो पहले की टेक्नोलॉजी उस पर आज भी नहीं बच सकती। ये 1971 मॉडल है, 71 मॉडल में भी डबल क्लच था। आज तक अभी अभी सिंगल ऑप्शन में हुआ डबल क्लच लेना है कि नहीं लेना। लोगों ने पता डबल क्लच डबल क्लच के हुए है, एयर कूल्ड सिस्टम उस टाइम था, अभी आया नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे आप मतलब अदला बदली कर लेते हैं, कोई कौन सा भाई क्वेश्चन चला रहा है, कौन सा तो इन ट्रैक्टरों के कंपैरिजन आप, मैं आपसे करना चाहूंगा, जैसे ट्रॉली वगैरह में कौन सा ट्रैक्टर बात बढ़े तीनों में? इनमें से तो बाइलार्स बाइलार्स बढ़ता है। जैसे कल्टीवेटर काम करे तो कल्टीवेटर में फार्म ट्रेक बढ़ेगा भाई साहब, कल्टीवेटर में फार्म ट्रेक, लेकिन बाइलार्स 855 भी थोड़ा कल्टीवेटर में बढ़ेगा। अच्छा, कल्टीवेटर में बाइलार्स से ज्यादा बढ़ जाता है 855। इसका कारण कारण ये है, इसकी स्पीड ज्यादा है बैक गियर की। अच्छा, जैसे हमने छोटी बान है जो पोस्ट करनी है उसमें ये बदेगा, लेकिन जो लंबाई खेत की ज्यादा है, जो उसमें बाइलार्स ज्यादा, कल्टीवेटर ये काम, कल्टीवेटर हो हर हो कोई भी काम हो, जो लंबाई का काम, लंबाई का काम जिसमें ज्यादा ज्यादा चल रहा है, चाल दिक्कत आती हो। नहीं, स्पेयर पार्ट की तो वैसे वैसे ही नहीं मांगता, मांगता ही नहीं। हाँ, और मांगा है तो अपना नजदीक मार्केट है जींद, जींद की नजदीक मार्केट है। बल्कि दिक्कत यह है नया स्पेयर पार्ट नहीं मिलता, पुराना स्पेयर पार्ट लेके पुराना स्पेयर पार्ट डाल के फिर भी आज की टेक्नोलॉजी तो ज्यादा काम कर रहे हैं। अगर नया स्पेयर पार्ट इसने मिले तो आप जी देखो कितना काम करता है उस टाइम पे। अच्छा, ये 1971 मॉडल है, 71 मॉडल देखो दोस्तों, आज भी चल रहा है, आज तक ये सारा जेन्युइन है, ओरिजिनल।